नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल कुमार फूड ईटिंग शो में। और आज मैं आपके सामने लेके अपनी नई वीडियो, तो आइए दिखाते हैं आपके लिए क्या लेके आए नई वीडियो में। बट उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो आइए दिखाते हैं आपके लिए क्या लेके आए आज। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये है हम लेके आए नाश्ता है। ये है मूंग दाल के चीले हैं, इसके अंदर वेजीज डाली गई हैं, वेजी मिक्स करके बनाया गया है। साथ में हमारी ग्रीन चटनी है एंड ये हमारा टमाटो केचप है। तो आइए हम ट्राई करते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मली ही ट्राई करते हैं और ये काफ़ी हेल्दी होता है, काफ़ी कम तेल बना है इसके अंदर। आप देख सकते हैं बीट रूट भी डाला गया है, काफ़ी चीज़ें डाली गई वेजीज में। एक बार ट्राई करते हैं। तो सिंपल खाया तो काफ़ी अच्छा टेस्ट था इसका, जैसे बीट रूट, बीन्स और भी काफ़ी वेजीज डाली गई हैं, शिमला मिर्च है इसके अंदर, तो काफ़ी हेल्दी है। और इसे ऑयल में नहीं बटर में बनाया है। अब ट्राई करता हूँ एक बार केचप के साथ। तो अब हम ट्राई करते हैं इसे एक बार ग्रीन चटनी के साथ। टमाटो का जो साथ ट्राई किया था काफी अच्छा था टेस्ट। ये हमारी ग्रीन चटनी के साथ ट्राई कर रहा हूँ। काफी अच्छा टेस्ट है। आप इसे मूंग का चीला भी कह सकते हैं या फिर मूंगलेट भी कह सकते हैं। आप इसमें अलग अलग वेजीज ऐड करके बना सकते हैं, लाइक इसमें टमाटो है, बीट रूट है, बीन्स है, कैप्सिकम है, ये सब भी ऐड कर रहे हैं। आप इसके अलावा और भी चीजें ऐड कर सकते हैं। और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपको वेजीज अच्छी लगती है वो आप बना सकते हैं। और क्या
दोस्तों आपने देखा मेरा जो मूंगलेट था या फिर मूंग का चीला था पूरा कंप्लीट खत्म हो चुका है। काफ़ी टेस्टी था, हेल्दी भी था, काफ़ी वेजेस थी काफ़ी इसके अंदर। तो आप भी इसके अंदर अपने अकॉर्डिंग जो भी वेजेज आपको पसंद है वो डाल के बना सकते हैं, काफ़ी हेल्दी होगा। आप इसे ब्रेकफास्ट में यूज़ कर सकते हैं, हेल्दी ब्रेकफास्ट रहेगा आपका। एंड आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए ताकि वीडियो को देख सके आप। एंड वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आने वाली वीडियो तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।